नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ क्रांतिकारी योद्धा हैं सूरज कुमार बौद्ध जी, और सूरज जी जो हमेशा बहुजनों की आवाज़ उठाते रहते हैं। सूरज जी, क्या आपको नहीं लगता है कि देश के अंदर बहुजनों की शिक्षा के साथ खेल किया जा रहा है और शिक्षा का स्तर बहुजनों का बहुत ज़्यादा गिरता भी जा रहा है? सबसे पहले आपको शुक्रिया और जय भीम। देखिए साहब, ये जब से शिक्षा को WTO के समक्ष सौंप दिया गया है, तो WTO मतलब क्या हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो एक तरह से शिक्षा को इन्होंने व्यापार बना दिया है। जब इन्होंने शिक्षा को व्यापार बनाया है तो उसका प्रमाण इसी हिसाब से आप देख लेते हैं कि देश के 40,000 कॉलेजों में से करीब 78% कॉलेज ऐसे हैं जिनका निजीकरण कर दिया गया है। यानी कि अब उसमें गवर्नमेंट की जो सुविधाएं थी, जो रिजर्वेशंस थी, जो स्कॉलरशिप्स थी, वो सब नहीं मिलेंगी। अब वही कर रही है सरकार जो है प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल में हमारे बच्चों को मिड डे पकड़ा दिया गया, हमारे बच्चे मिड डे के लिए जाते हैं, क्लास चलती नहीं, खाना खा के चले जाते हैं। वही सिस्टम पूरा चल रहा है जूनियर हाई स्कूल तक। जब हमारे बच्चे क्या नाम है कि हाई स्कूल में जाते हैं तो किसी तरह से हाई स्कूल में पढ़ते हैं, तो जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे, जब वो हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन लेना चाहेंगे, तो कॉलेजों को इन्होंने क्या कर दिया है, कॉलेजों में इन्होंने इतना ज़्यादा फीस बढ़ा दिया है कि हमारे लोग वहाँ पर एंट्री ना कर पाए। दो तरफा इन्होंने रोक लगाई है। पहला इन्होंने फीस वृद्धि किया है, दूसरा इन्होंने ऐसा कर दिया कि एंट्रेंस में इतना परसेंट क्वालिफाई करना जरूरी होता है। अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात करूं, एंट्रेंस में 30% मार्क जरूरी होता है। मुझे नहीं समझ में आता, 500 सीट आपकी खाली चली जाएगी उससे कोई परवाह नहीं पड़ता, लेकिन 300 सीट मतलब 30% मार्क जरूरी होता है। तो ये जो कर रहे हैं ये लोग, जिस तरह से मनुस्मृति में लिखा गया है कि शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया है, उसी तरह से ये लोग आज यहाँ पे करते हैं। चाहे यूनिवर्सिटी का सवाल हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो IIT के कॉलेज का सवाल हो, चाहे वो मद्रास कॉलेज का सवाल हो, चाहे वो JNU का सवाल हो, चाहे DU का सवाल हो। जैसा कि आप देख रहे होंगे, लगातार आप सब कवरेज दे रहे हैं JNU के पूरे मोमेंट को। JNU में क्या हुआ कि गरीब समाज के बच्चे, ST OBC समाज के बच्चे वो शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। मोस्टली ऐसा हुआ जब 2006 से वहाँ पर रिजर्वेशन अप्लाई हुआ OBC का, तो 67% या 70% तक करीब उसमें वही ST OBC के लोग एडमिशन लिए। जब उसमें ST के लोग, OBC के लोग एडमिशन लिए, तो अपनी आवाज़ को उठाना शुरू किए। जब वो अपनी आवाज़ को उठाना शुरू किए, तो इन्होंने JNU को JNU में तब्दील करने में इनको दिक्कत होने लगे। जब ये JNU को JNU में तब्दील नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने वहाँ पे फीस वृद्धि बनाई। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि JNU में फीस ज़्यादा क्यों है, हम लोग इसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई ये है कि DU में फीस ज़्यादा क्यों है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में फीस ज़्यादा क्या है, या देश के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में फीस ज़्यादा क्यों है। और ज़्यादा कम से बाद की भी लड़ाई ये है कि शिक्षा कोई जूता चप्पल का दुकान तो है नहीं कि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो बढ़िया वाला जूता पहनेंगे, ज़्यादा पैसा है तो बढ़िया वाला जैकेट पहनेंगे, कम पैसा है तो कोई भी सस्ता पहन के मिलेंगे। शिक्षा कोई व्यापार का चीज़ नहीं है, शिक्षा ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करता है। तो शिक्षा इस देश में बच्चों को फ्री मिलना चाहिए, इस बात के लिए हमारी लड़ाई है। जिस तरह सांसद महोदय कैंटीन में 30 रुपए का बिरयानी खाते हैं, जिस तरह से सांसद महोदय टाउन में जो है सरकारी बंगले में रहते हैं, गेस्ट हाउस में रहते हैं, उनको रहने के लिए अलग से आवास मिलता है, तो स्टूडेंट को क्यों नहीं मिलना चाहिए? अब ये सवाल करेंगे कि जो लड़के होते हैं वो बाहर आके कमरा लेने के बजाय हॉस्टल में रहने के लिए एडमिशन ले लेते हैं। एक बात बताइए, इतनी बेरोजगारी बैठी हो, सपोज के लिए एक बंदा PhD किया, एक बंदा LLM किया, जब उसको नौकरी नहीं मिलेगी, जाहिर तौर पर अपने शिक्षा बढ़ा रहा है, कोई लफंगई नहीं कर रहा है, वो कोई लंपटाई नहीं कर रहा है। ये लोग दरअसल चाहते हैं बहुजन समाज के लोग अशिक्षित रहे, क्योंकि अगर बहुजन समाज के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वो राम मंदिर के लिए हथियार नहीं उठाएंगे, तो वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए जंग नहीं करेंगे, तो वो मंदिर मस्जिद के लिए अपने आप को शहादत देने नहीं जाएंगे। तो मुख्य लड़ाई दरअसल हम जो इन लोगों की है, ये लोग शिक्षा को व्यापार में तब्दील करना चाहते हैं और हमारी लड़ाई उसी के खिलाफ है। जी सूरज जी, अधिकतर देखने में आया है जो बड़ा स्ट्रीम मीडिया है वो ये बोलता है कि वहाँ पर अय्याशियाँ होती हैं, लड़कियाँ पढ़ती नहीं हैं, लेट नाइट तक आती हैं, जबकि वहाँ पे JNU के लोगों ने भी बोला है कि हम लोग पढ़ने जाते हैं, लाइब्रेरी रात को खुलती है, हम लोग अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे जो बड़ा स्ट्रीम मीडिया, शायद आपने उनका स्टेटमेंट भी देखा होगा सुधीर चौधरी का, तो उस पर क्या बोलेंगे? भाजपा के नेताओं का कितना वीडियो आ चुका है, अगर इतनी अय्याशी है तो भारतीय जनता पार्टी बंद कर दिया जाए। मंदिरों में कितना बलात्कार के कांड हो गए, आसाराम से लेकर राम रहीम से लेकर के कितने बाबा पकड़े जा रहे हैं, तो क्या मंदिरों को बंद कर दिया जाए देश में? JNU को टारगेट क्यों किया जाता है? दरअसल JNU JNU के खिलाफ है, इसलिए टारगेट किया जाता है। कभी कहा जाएगा कि वहां से टैक्स बर्बाद होता है, कभी वहां जाएगा कि वहां पर अश्लीलता होती है, मतलब तुम तय करोगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। लड़की मिनी स्कर्ट पहनेगी कि लड़की साड़ी पहनेगी, ये तुम तय करोगे।
उसको अधिकार बाबा साहब ने दिया है, वो जैसे जीना चाहते हैं, जैसे पढ़ना चाहते हैं, वो आगे बढ़े। तुम्हारी भाई साहब अगर वहां पर अश्लीलता होती है तो निर्मला सीतारमण जैसे लोग इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर बने हुए हैं, क्या उनसे सवाल किया जाएगा? मतलब ये एक बाइनरी बनाई जाती है किसी को देशद्रोही साबित करने के लिए, किसी को अश्लील साबित करने के लिए। ये भाषा चरित्र डिबेट का कोई स्तर ही नहीं होता है। लेकिन जो तमाम पत्रकार हैं, जी न्यूज जैसे पत्रकार हैं जिन्हें टैक्स से इतनी समस्या लगने लगती है, जो खुद तिहाड़ घूम के आए हुए हैं, वो लोग टैक्स पे ज्ञान देते हैं। भाई इस देश का जो भिखारी होता है, जिस कटोरे में भीख मांगता है, उसको भी टैक्स देकर क्यों खरीदता है? वो सड़क पर चलता है तो टैक्स देता है। दरअसल लोग नल बटे सन्नाटा लोग हैं, इनके पास दिमाग उमाग होता नहीं है। दरअसल टैक्सेशन दो प्रकार के होते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स केवल अंबानी नहीं देता है, टैक्स हम लोग भी देते हैं। 50 पैसे का टॉफी खरीदते हैं तो उसमें भी टैक्स देते हैं। ये लोग नहीं होते, किसी भी यूनिवर्सिटीज को खत्म करने के लिए, उसकी बाइनरी को बर्बाद करने के लिए वो ऐसा करते हैं। आरजे रौनक नाम का आपने देखा होगा, रेड एफएम का आरजे रौनक ने ये बदतमीजी किया। उसने जेएनयू के लड़की के जो बाल बाद ने कंडोम का फोटो लगा दिया। और कभी भाजपा के नेता कहेंगे जेएनयू की लड़कियां वो कंडोम का इस्तेमाल करते हैं जो आतंकवादी जिहादी करते हैं? ये कंडोम देख करके बता सकते हैं कि कौन जिहादी करते हैं, कौन आतंकवादी, कौन देशद्रोही करते हैं? मतलब कितने जाहिल किस्म के लोग हैं। बातचीत बहस का कोई स्तर होता है कि वो कितने निकम्मे हो जाते हैं? तो जेएनयू की लड़ाई इंसानियत की लड़ाई है, अपने हक अधिकार की लड़ाई, शिक्षा की लड़ाई है, पढ़ाई लिखाई की लड़ाई है। हम लोग उसके पक्ष में खड़े हैं, एक छात्र होने के नाते, एक युवा होने के नाते, एक बहुजन समाज का नागरिक होने के नाते, और सबसे बड़ी बात एक इंसान होने के नाते। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।